अगर नियत साफ हो तो घर पर आग भी लग जाए भगवान बारिश बरसा देते हैं, लेकिन अगर नियत खराब है तो बारिश में भी खड़े इंसान पर भगवान बिजली गिरा देते हैं। आज मैं तुम दोनों के सामने खड़ा होकर तुम दोनों को चुनौती देता हूं कि मर्द के बच्चे हो तो अपने आप को उससे बचा के दिखा दो। इंसान भले ही कुछ भी कर ले, लेकिन अपने नसीब से नहीं लड़ सकता। आखिर किसी ना किसी बलिदान तो दे। वो डूबा नहीं था, जिंदा है। ये आदमी इस किले से बाहर हरगिज नहीं जाना चाहिए। आरआरआर फिल्म के बाद जूनियर एनटीआर की अब एक और अगली फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसके लिए लोगों में काफी समय से एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बनी हुई है। और बीच बीच में मेकर्स की तरफ से फिल्म का एक एक करके पोस्टर भी रिवील किया जा रहा है, जिसमें फिल्म के कैरेक्टर्स के लुक को काफी अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। हम बात कर रहे हैं जूनियर एनटीआर की मोस्ट अवेटेड फिल्म देवरा की। इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी समय पहले हो गई थी और फिल्म की शूटिंग का अब काफी काम पूरा भी हो चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले फिल्म के नए पोस्टर्स रिलीज किए गए थे, जिसमें फिल्म के और भी कई बड़े स्टार को रिवील किया गया है। और फिल्म में हमें साउथ और बॉलीवुड के कई बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल रहे हैं। फिल्म में हमें लीड रोल में तो जूनियर एनटीआर ही देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके साथ साथ फिल्म में हमें बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार सैफ अली खान एक विलन के रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इससे साफ है कि सैफ अली खान हमें आदि पुरुष फिल्म में विलन के रोल में देखने को मिले थे, लेकिन उस रोल में लोगों ने उन्हें कुछ खास पसंद नहीं किया था। लेकिन देवरा फिल्म को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है और देवरा फिल्म में हमें काफी दमदार एक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए लोगों में सैफ अली खान को एक खतरनाक विलन के रूप में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है। इन दोनों के साथ साथ फिल्म में हमें हीरोइन के रोल में जानवी कपूर देखने को मिलेंगी और इन सभी के साथ फिल्म में हमें प्रकाश राज भी एक अहम रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं बात करें फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म को साउथ के जाने माने डायरेक्टरों में से एक कोरातला शिवा के डायरेक्शन में बनाया जाना है। जूनियर एनटीआर की इस फिल्म को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। आने वाले समय में हमें बहुत ही जल्द फिल्म का कोई टीजर देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद फिल्म को लेकर कई सारी बड़ी अपडेट्स मिल जाएंगी, जैसा कि फिल्म में हमें क्या स्टोरी देखने को मिलने वाली है और फिल्म में हमें एक्शन किस लेवल का देखने को मिलेगा। वैसे मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये फिल्म हमें 5 अप्रैल 2024 को पैन इंडिया देखने को मिलने वाली है। और आरआरआर फिल्म के बाद तो जूनियर एनटीआर की फैन फॉलोइंग पैन इंडिया काफी बढ़ चुकी है। अब सभी लोग इनकी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्मों का इंतजार कर रहे हैं। बस कुछ महीना और, उसके बाद जूनियर एनटीआर की एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाने के लिए एक और फिल्म आने वाली है। और आपको बता दें इस फिल्म का बजट भी काफी बड़ा है। देवरा फिल्म का बजट 300 करोड़ के आसपास का है। अब देखना ये होगा कि इतने बड़े बजट के साथ फिल्म में क्या क्या देखने को मिलता है। लेकिन एक बात तो पक्का है कि फिल्म में हमें काफी दमदार एक्शन और फिल्म की स्टोरी भी काफी दमदार देखने को मिलेगी। आने वाले समय में फिल्म का टीजर देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद फिल्म को लेकर काफी कुछ साफ हो जाएगा कि फिल्म में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और फिल्म की स्टोरी आखिर क्या हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए अपना।